हेलो अजमेर, लव यू ऑल. और आई एम योर एट INIFD अजमेर एंड थैंक्स टू वंदना एंड बंटी फॉर कॉलिंग मी हियर. और इन्होंने बुला के मुझे एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट, एक सरप्राइज दिया अजमेर में, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ आज बहुत अच्छा काम किया है. और हमने ये आउटफिट्स 2 दिन में क्रिएट किए हैं और ये बिना सिलाई के, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिना सिलाई के वी हैव डन दिस आउटफिट्स. And yesterday मेरा डेमो था और टुडे वी हैड अ लिटिल शो. एज यू सीन द गर्ल्स आर वेरी क्रिएटिव एंड थैंक्स टू वंदना एंड द फैकल्टीज ऑफ INFD अजमेर, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. सर इसका ये आप जो फैशन शो है इसमें बच्चियों के प्रति क्या सोचते हैं, जो यूथ इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस बारे में? मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चे को आजकल डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स में भेज रहे हैं. और लकली द चिल्ड्रन ऑल्सो काफ़ी लकी हैं कि INFD इनके अजमेर में है और इनको एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है यहाँ अपने खुद अपने शहर में सीखने का. नहीं तो लोग कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, बॉम्बे आना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है. लकली अजमेर में होते हुए INFD इज डूइंग ग्रेट जॉब और ये स्टूडेंट्स हैव डन अ ग्रेट जॉब. क्रिएटिविटी इन में बहुत है. इनका क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिश हो जाएंगे और भी आगे बढ़ेंगे मेरे हिसाब से. क्या स्कोप है इसमें? देयर इज लॉट ऑफ स्कोप. जैसे अभी एक इंस्टीट्यूट बिलवारा में था मैं, जब वहाँ मैंने स्टूडेंट्स का उनका एनुअल शो था तो मैं उनका पूरे साल का काम मैंने देखा था. तो मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है आ रही है उसके अंदर मैंने 3 स्टूडेंट्स को चुना है कि आप आइए बॉम्बे और गारमेंट्स करिए. अब स्टार्टिंग ओ माई फादर, ओ माई फादर. और एक गुजराती फिल्म है, अभी उसका टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, जो वो 2 लड़कियां INFD बॉम्बे की हैं उनको भी ब्रेक दिया है. वो गुजराती फिल्म में कॉस्ट्यूम्स बना रहे हैं अंडर माय सुपरविजन और मॉरिशस जा रहे हैं शूटिंग पे. सो आई वुड लव इट कि मैं नेक्स्ट बार आऊं, बिकॉज ये मेरी पहली बार है अजमेर और मुझे तो इतना क्रिएटिविटी बच्चों में दिख रही है. और जब इनका एनुअल शो होगा मैं ज़रूर आऊँगा ताकि यहाँ के भी 1-2 बच्चों को चांस मिले जाने. अभी तो क्रिएटिव शॉप करने आए हैं, जब इनका एनुअल शो होगा पूरे साल में बच्चे क्या करते हैं वो पता लगेगा कि कौन क्रिएटिव कैसे है. और फिर उसमें डेफिनेटली वी विल गिव अ चांस टू वन ऑफ द चिल्ड्रन. और फिर और एक ब्रेक भी बच्चों को दिए मैंने ऑफ INFD कल्याण, जो एक वेब सीरीज कर रहे हैं बेला बंसाली, संजय बंसाली की सिस्टर की, उसमें भी 2 बच्चों को चांस दिया है मैंने कॉस्ट्यूम्स करने का. ये तब हम पिकअप कर सकते हैं जब बच्चों को इनका एनुअल फैशन शो होगा तो मैं आके देखूंगा, या फिर थोड़े टाइम बाद फिर आके इनका जो क्रिएटिविटी और क्रिएटिव करेंगे. यहाँ तो मैं अब आया हूँ उनको थोड़ा सा एक हौसला बढ़ाने और बताने एक नई चीज़ के, बिना सिलाई के कपड़े बन सकते हैं और ये किस तरह उनको लॉन्ग रन में हेल्प करें. सपोज़ ये कल बढ़ के एक एड फिल्म कर रहे हैं या एक फिल्म कर रहे हैं, वहाँ कॉस्ट्यूम्स कम पड़ गए तो वो कॉस्ट्यूम्स, ये फैब्रिक उनके पास हो तो वो उसी टाइम ये क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कभी ये देखा, ये सुबह आए और ये अभी तक एक चंद घंटों में इन्होंने ये सारे गारमेंट्स एक दूसरे का मिलके रेडी कर लिए. सो आई थिंक दिस विल टेक देम वेरी फर्दर इन लाइफ कि ये भी काम आएंगे इनके, ये कपड़े बनाना सिखाना. Bye.
हल्का सा आप अंदर जाओ बस ठीक है।